तो नमस्कार जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर में यह अचार रक्त विकार दूर करता है, कफ व पित्त का शमन करता है। जी हाँ दोस्तों, अचार हम सभी स्वाद के लिए खाते हैं, परंतु यह अचार इतना लाभकारी है कि अगर सर्दियों में इसका सेवन किया जाए तो यह बहुत फायदेमंद होता है। वैसे तो इस अचार का सभी को सेवन करना चाहिए, परंतु शुगर वाले इस अचार का सेवन करते हैं तो उनके लिए यह बहुत ही फायदेमंद होता है। आज मैं कच्ची हल्दी का अचार बनाऊंगी। शुगर वालों के लिए सर्दी के मौसम में कच्ची हल्दी का इस्तेमाल बहुत लाभदायक है। इस अचार के 3 या 4 पीस खाने के साथ खाए तो उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। कच्ची हल्दी का अचार बनाने से पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का ध्यान रखें। यह जीवन बहुत ही अनमोल है, इसलिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। आइए बनाते हैं कच्ची हल्दी का अचार। यह देखिए कच्ची हल्दी जो हमने अच्छी तरह से धो कर रखी है, इसको सबसे पहले धोना है। धोने के बाद इसको छीलना है, अच्छी तरह से साफ करना है। यह देखिए इसको ऐसे छीलना है अच्छी तरह से, ऐसे अच्छी तरह से छील लेना। ये देखिए और ऐसे ही सारी साफ कर लेनी है। ये देखिए ऐसे, अब इसको इधर से काट देते हैं। अब ऐसे ही दूसरे छील लेते हैं। ये देखिए ऐसे ही सारी हल्दी छील लेनी है। अब ये भी छील लेते हैं। ये देखिए आप चाहे तो इसको ऐसे भी छील सकते हैं। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हमारी हल्दी सारी अच्छे से साफ हो चुकी है। अब हम इसके पीस बनाएंगे। ये देखिए ऐसे इसके ऐसे पीस बना लेते हैं। ये देखिए ज़्यादा मोटे पीस नहीं रखने, ऐसे सारी हल्दी काट लेनी है। ये देखिए जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतनी हल्दी पहले धोनी है, फिर छीलनी है, उसके बाद इसके ऐसे पीस बनाने हैं। ये देखिए ऐसे सारी हल्दी काटने के बाद हमारी सारी हल्दी कट चुकी है। ये देखिए सारी हल्दी ऐसे काटने के बाद अब इसके लिए हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए जान लेते हैं। ये देखिए सौंफ जो हमने थोड़ी दरदरी करके रखी हुई है, साबुत धनिया इसको भी हमने दरदरा करके रखा हुआ है, ये साबुत मेथी, मेथी को भी हमने थोड़ा दरदरा करके रखा हुआ है। ये देखिए मिर्ची पाउडर, नमक और ये राई, राई को भी हमने थोड़ा दरदरा करके रखा। ये देखिए साबुत खड़े मसाले लेने हैं, उसके बाद इनको थोड़ा दरदरा करना है। और ये सरसों का तेल। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए एक बर्तन लेते हैं, इसमें हम 1 चम्मच ये देखिए दरदरी की हुई सौंफ डालेंगे, 1 चम्मच दरदरा हुआ हुआ धनिया, 1 चम्मच ये देखिए दरदरी करके हमने मेथी रखी है, मेथी लेनी है, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालते हैं। ये देखिए राई, अब हम 1 चम्मच राई का डालते हैं जो हमने दरदरी करके रखी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें हम हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हम हल्दी का अचार बना रहे हैं, कच्ची हल्दी का। अब हम डालेंगे सरसों का तेल, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करने के बाद देखिए ये जो हल्दी हमने काट के रखी है इसको हम इसमें डालते हैं, सारे डाल देनी है। इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देते,
अच्छी तरह से मिलाना जिससे अच्छी तरह से मसाला इसके ऊपर लिपट सके। ये देखिए ऐसे हाथ से मिला देते हैं। यह देखिए हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए कच्ची हल्दी का अचार बिल्कुल तैयार है। शुगर वाले खाने के साथ 3 या 4 पीस खाए तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इसे किसी कांच के जार में डालकर रखिए और एक लंबे समय तक खराब नहीं होगा, काफ़ी दिन तक चलेगा। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे। जय माता दोस्तों।